वर्ल्ड कप 2023 से पहले साउथ अफ्रीका की टीम को लगे दो बड़े झटके। साउथ अफ्रीका की टीम के दो मैच विनर खिलाड़ी हो गए बाहर। बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, वहीं 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब तक कई टीमें वर्ल्ड कप के लिए टीमों का ऐलान कर चुकी है। इसी बीच साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अपनी 15 सदस्यीय टीम में बदलाव के साथ एक बार फिर ऐलान किया है। टीम के हेड कोच रॉब वाल्टर ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप 2023 की टीम से एनरिच नोकिया और सिसांडा मंगाला बाहर हो चुके हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी इंजर्ड हैं। साउथ अफ्रीका ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। एनरिच नोकिया दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है। ऐसे में अगर वो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम से रहते तो उन्हें काफी फायदा होता, लेकिन वो पीठ की चोट की वजह से भारत नहीं जा पाएंगे। नोकिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में हिस्सा लिया था। उन्होंने केवल 5 ओवर फेंके, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें परेशानी होने लगी, जिसके बाद वो गेंदबाजी नहीं कर पाए, जिसके बाद नोकिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरे सीरीज से बाहर हो गए। एनरिच नोकिया के वनडे आंकड़े भी बहुत ही बेहतरीन है। उन्होंने 22 वनडे मुकाबले में कुल 36 विकेट झटके हैं। वहीं अफ्रीका के वर्ल्ड कप टीम से सिसांडा मंगाला भी बाहर हो चुके हैं। मंगाला को तीसरे वनडे में चोट लगी और वह केवल 4 ही ओवर गेंदबाजी कर सके थे। नोकिया और मंगाला की जगह अफ्रीकी टीम ने एंड्रिड फुलफायो और लिजार्ड विलियम्स को अपनी टीम में शामिल किया है। वर्ल्ड कप 2023 के लिए साउथ अफ्रीका की नई टीम की बात करें तो टेम्बा बहुना टीम के कमान संभालेंगे, जिसके बाद जेराल्ड कोटजी, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, मार्को यंसन, हेनरिक खिलासन, केशव महाराज, एडम माक्रम, डेविड मिलर, लुंगी एंगड़ी, एंड्रिल फुलफायो, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, राशि वन डर ड्यूसन और लिजार्ड विलियम्स हैं।